तीर्थंकरत्व की यात्रा जीवन की महायात्रा है। एक साधारण प्राणी अपनी चेतना का गुणात्मक विकास करते हुए किस तरह सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, ये सब बातें हम विगत दिनों से सुन रहे हैं। साधारण प्राणी भी अपने भीतर असाधारण क्षमता का विकास कर सकता है, बशर्ते वह अपनी चेतना में गुणात्मक परिवर्तन करे। गुणात्मक परिवर्तन ही गुणात्मक विकास का आधार है और जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमें अपने भाव जगत को सुधारना बहुत जरूरी है। हम अपनी भावनाओं के बल पर ही अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन घटित कर सकते हैं। 16 कारण भावनाओं में कल हमने साधु समाधि की बात की, आज क्रम है वैयावृत्त। वैयावृत्त का सीधा अर्थ होता है सेवा। सेवा एक क्रिया नहीं, सेवा एक भाव है। क्रिया तो उसका एक प्रकट रूप है। हमारे यहाँ एक सेवा शब्द जब भी आता है तो अकेले सेवा नहीं आता, सेवा के साथ एक और शब्द जुड़ता है, वह है शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा हम लोग बोलते हैं। जो नित्य वैयावृत्त यानी सेवा का कर्म करता है, मैंने जब वैयावृत्त के विषय में पढ़ा, आगम में इसकी इतनी महिमा गाई गई, इसे अंतरंग तप, 16 कारण भावनाओं में एक महत्वपूर्ण भावना, और आचार्य कुंद ने तो इसे जिन भक्ति कहा, अहकुण जिन भक्ति परम विया विच्चम दह बियप्पम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के रूप में वैयावृत्ति को उन्होंने अंगीकृत किया, यानी मैं आश्चर्यचकित रह गया जब आचार्य कुंद के इस वाक्य को पढ़ा, अहकुण जिन भक्ति परम विया विच्चम दह बियप्पम। तो मुझे लगा कि किसी की सेवा करना भगवान की भक्ति करने के बराबर है। हम लोग ये वाक्य दोहराते, सेवा ही पूजा है, तो आचार्य कुंद कहते हैं भक्ति है, सेवा भक्ति है और भक्ति ही पूजा है। आखिरकार इस कर्म को इतना महत्व क्यों दिया गया है? वैयावृत्त या सेवा को इतना महत्व, इतना मूल्य क्यों दिया गया? आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया? शायद नहीं किया होगा। वैयावृत्ति की महिमा से प्रेरित और प्रभावित होकर आपने वैयावृत्ति का कर्म तो भले शुरू कर दिया हो, लेकिन वैयावृत्त इतना महान धर्म क्यों है, शायद इस पर ध्यान कम गया हो। सवाल है, वैयावृत्त का भाव कब जगता है? वैयावृत्त का भाव कब जगता है? दो कारणों से जगता है। जब हृदय में संवेदना हो और सहानुभूति। किसी के प्रति संवेदना कब जगती है या किसी के प्रति सहानुभूति कब जगती है? जब हम
उसके आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति अपनी जैसी भावना जगाते हैं। जब सा अस्तित्व का भाव जगता है तभी संवेदना जगती है, और जब संवेदना होती है तभी सहानुभूति होती है। तो बैया वृत्ति वही कर सकता है जो दूसरे की आत्मसत्ता को पहचानता हो और उसकी आत्मा का अभिनंदन करता हो। जब आप सामने वाले व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह देखेंगे और अपने से भिन्न मानेंगे तो आपके हृदय में उसके प्रति सेवा का भाव नहीं जगेगा। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जब आप अपने समान मानोगे तो आपके हृदय में उसके प्रति सेवा का भाव अवश्य होगा। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मुनियों के लिए वैया वृत्ति की इतनी प्रेरणा दी गई और अंतरंग तप में तप रखा, और आचार्य कुंद ने मुनियों के लिए आज्ञा प्रदान की कि अह कुन जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह बियप्पा। मुनि जो सर्व विकल्पों से विमुक्त होते हैं, जो स्वयं लीन रहने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उस मुनि को भी अन्य मुनियों की वैयावृत्ति करने की बात क्यों कही, सेवा करने की बात क्यों कही? तो उसके पीछे सबसे प्रबल कारण ये है कि जब तक सेवा के धर्म को अंगीकार नहीं करोगे तब तक साधना में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि सेवा से साधना की शुरुआत होती है। इसमें अहंकार नष्ट होता है, नम्रता का गुण विकसित होता है, और आचार्यों ने बैया वृत्ति के फल बताते हुए चार मुख्य कारण बताए। ग्लानि पर विजय, समाधि संधारण, गुणोपासना और सनाथता, ये चार गुण बताए। ग्लानि पर विजय, समाधि संधारण, गुणोपासना और सनाथता। ग्लानि पर विजय, अगर कोई दीन दुखी जीवों की हम सेवा करते हैं तो हमारे मन में ग्लानि खत्म हो जाती है। मुनिगण मुनियों की वैयावृत्ति करते हैं, अगर कोई मुनि बीमार हो जाए, कोई मुनि विशेष तपस्वी हो, कोई मुनि विशेष अध्ययनशील हो, कोई बड़ा पुराना साधु हो, कोई साधु वृद्ध हो या कोई नव दीक्षित हो, तो इन सबको अपने तप में इस साधना के क्रम में किसी तरह की परेशानी आ सकती, और उस समय उसकी शारीरिक मानसिक सेवा करना ये वैयावृत्त है। और खासकर संलेखना कोई ले रहा हो उस समय उनकी सेवा करना बहुत बड़ा वैयावृत्त तप है, और उस समय मुनि गण सामने वाले साधु के मल मूत्र को भी अपने हाथ से बिना ग्लानि के साफ करते हैं। यहाँ तक लिखा कि किसी साधु को वैयावृत्ति करने में कोई तत्पर है, उसको कफ आ रहा है और कफ को थूकने के लिए कोई स्थान नहीं, तो अपने हाथ की अंजलि करके उसको कफ को ले लो और उसे अलग करके शुद्ध धो लो। ये सेवा का भाव, ग्लानि पर विजय, अंदर संवेदना और सहानुभूति होती है, गुणों के प्रति अनुराग होता है, तब कहीं जाकर के वैयावृत्ति की बात होती है। और जब वैयावृत्ति करने के लिए कोई किसी के प्रति तत्पर होता है तो उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, उसे देखता है रत्नत्रय के धनी के रूप में। ये कोई सामान्य प्राणी नहीं, ये ऐसा महान आत्मा है जिसके हृदय में रत्नत्रय का निधान भरा हुआ है, रत्नत्रय का खजाना भरा हुआ, रत्नत्रय का निधान, रत्नत्रय का भंडार भरा हुआ है। वो रत्नत्रय अंदर घटना चाहिए, रत्नत्रय अंदर प्रकट होना चाहिए, और रत्नत्रय को
प्रकट करने के मनोभाव से उनके रत्नत्रय यानी उनके धर्म को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हर धर्मी तत्पर होता है। ये धर्मी की सेवा धर्म के अनुराग का द्योतक है और बिना धर्मानुराग के धर्मी की सेवा की नहीं जा सकती। जिसके हृदय में धर्म के प्रति लगाव होता है वो धर्मी की सेवा में हर पल तत्पर रहता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा ये वैयावृत्ति, ये सेवा जो एक मुनि संघ में होती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। खासकर उस घड़ी जब कोई साधु बीमार हो या कोई साधु संलेखना की साधना में निरत हो तो पूरा संघ किस भांति उनकी सेवा करता है। एक करोड़पति बाप का बेटा उसकी सेवा नहीं कर पाएगा, बल्कि मैं ये कह दूं करोड़पतियों के बच्चे कभी सेवा करते भी नहीं, उनकी सेवा तो नर्स करते, बच्चे नहीं करेंगे। नर्स और डॉक्टर लगा देंगे लेकिन ये सेवा का भाव उनके घर परिवार में नहीं झलकेगा। ये सेवा भाव केवल और केवल उनके बीच देखने को मिलेगा। जिनके हृदय में धर्म है तो ये धर्म को उद्दीप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए वैयावृत्त को महातप कहा, जिससे ग्लानी पर विजय, समाधि संधारण। आप यदि किसी की वैयावृत्ति करते हैं तो उसकी समाधि टिकती है और वैयावृत्ति करने से खुद की समाधि बढ़ती है, दोनों का समाधि संधारण होता है। ये वैयावृत्ति का फल है। और तीसरी बात गुणोपासना, आप जिसकी सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा से उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है, उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव होता है और वो गुणों को ग्रहण अपने आप मिलता है। आप जिनके निकट रहोगे उनकी चर्या और क्रिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा और उस क्रिया और चर्या से जुड़ने के परिणाम स्वरूप उनके गुण स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में आ जाएंगे। इसलिए गुणोपासना और गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए ही तो वैयावृत्ति या सेवा की जाती है। तो जो गुणानुरागी होगा वो गुणक ग्रहण जरूर करेगा, बल्कि गुणानुरागी ही गुणग्राही बनता है। तो गुणोपासना इसका एक फल बताया। और चौथा जो बड़ा व्यवहारिक फल है वह है सनाथ था। सब घर परिवार छोड़ के आ गए, साधु संग में है। अब कोई बीमार पड़ जाए, कोई अशक्त हो जाए, किसी को और कोई परेशानी हो जाए और उस समय उसे कोई पूछे नहीं, क्या फीलिंग हो? अरे भाई कहाँ फंस गए, मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे को तो यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं। लेकिन कहते हैं नहीं, हो सकता है दुनियादारी में कोई तुम्हें न देखे न पूछे, क्योंकि दुनियादारी तो स्वार्थ की जमात है। तुम्हारा मतलब सधेगा, हजार तुम्हारे पास खड़े होंगे और मतलब नहीं तो सगा भी दगा दे देगा। लेकिन ये दुनियादारी की बात नहीं, ये धर्म संघ की बात है। धर्म संघ में जो भी रहते हैं वे निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। वहाँ पर केवल साधर्मी वात्सल्य और प्रेम होता है, वहाँ मोह और ममत्व का सर्वथा अभाव होता है, क्योंकि वहाँ धर्म है स्वार्थ नहीं। ऐसे निस्वार्थ भाव से जब लोग एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा करते हैं तो उन्हें लगता है हम अकेले नहीं हैं, इस घड़ी में पूरा संघ मेरे साथ है। ये सनाथता का भाव, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे एक धर्म संघ में ये भाव जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे घर परिवार और समाज में भी इस भाव को रखना चाहिए। ये वैयावृत्ति की शुरुआत कहाँ से हो? घर परिवार से हो। आप अपने घर परिवार के सदस्यों की सेवा शुश्रूषा करोगे तभी बाहर वालों की सेवा शुश्रूषा कर सकोगे और तभी आप साधु संतों की सेवा शुश्रूषा कर सकोगे। अब परिवार में ही सेवा नहीं तो बाहर क्या करोगे?
आजकल इस सेवा भाव का घोर अभाव देखने को मिलता है। पुराने जमाने में किसी को थोड़ी भी कोई परेशानी होती थी, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता था। आज किसी के ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा हो गया तो इतनी फॉर्मेलिटी कर ली, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई लिया कि नहीं लिया, चलो दवाई ले लो, और थोड़ा आगे बढ़े, मैं दवाई दे देता हूँ, ले लो। संत कहते हैं किसी बीमार को केवल दवा देने देना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके औषधि के साथ साथ उसको सहानुभूति की भी ज़रूरत है, उसे संवेदना की भी ज़रूरत है। और आपकी सहानुभूति होगी तब वो ज़्यादा कहीं ठीक होगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे मूल्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित होंगे। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारे अंदर की संवेदनाओं को शिथिल किया, और बढ़ती हुई संवेदनहीनता के कारण व्यक्ति की सोच अत्यंत संकीर्ण हो गई, और उसने हमारे जीवन की उदात्त मूल्यों को लील लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज व्यक्ति पूरी तरह आत्म केंद्रित होने लगा है। उसे केवल अपने और अपने मतलब से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए आज कोई किसी का नहीं है। एक बार एक अरबपति सज्जन ने मुझसे कहा, भरी आँखों से कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। अरबपति व्यक्ति, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई नहीं। मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज 2000 करोड़ की संपत्ति है, महाराज मेरे 3-3 बेटे हैं, तीनों बेटे अलग अलग अपने मकानों में रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी अलग मकान में रहते हैं, पत्नी को कैंसर है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, और मेरे बेटे एक फिक्स पैसा मेरे घर पहुँचा देते हैं, कभी कभार फ़ोन से पूछ लिए, और महीना 2 महीने में कोई एकाध आ कर के पूछ लिया, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। मुझे लगता है काश मैंने अपने बच्चों को इतनी संपत्ति देने की जगह संस्कार दिए होते तो मेरी ये दशा नहीं होती। काश मैंने अपने बच्चों को संपत्ति देने की जगह संस्कार दिए होते तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। और महाराज इसमें मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा जीवन और पूरी जवानी केवल संपत्ति जोड़ने में खपाई, संस्कार जोड़ने में नहीं। उसका नतीजा मैं भोग रहा हूँ, और आज हम दोनों पति पत्नी एकाकी सा जीवन जी रहे हैं। अब हमारा शरीर इस लायक भी नहीं रहा कि आप लोगों की शरण में आ सके। महाराज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग बोलते हो सही बोलते हैं, और हम जैसों का उदाहरण आप लोगों को दो, ताकि बाकी लोगों की ऐसी दुर्गति ना हो। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, आम जनों की बात है, आम जनों की बात है। कितने लोग हैं जिनके हृदय में सेवा और शुश्रूषा का प्रबल भाव है, बोलो कितनी सेवा। आप घर से पूजा पाठ कर लोगे पर सेवा, इसमें लोग पीछे रहते हैं। पूजा पाठ करने वाले, दान धर्म करने वाले, अन्न पुण्य की क्रिया करने वाले लोग तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन सेवा भाव से संपन्न लोगों का घोर अभाव दिखता है। संत कहते तुम पूजा पाठ करो या ना करो, पर सेवा भाव से कभी वंचित मत रहो। आगम में लिखा है कि एक मुनि यदि किसी दूसरे ग्लान मुनि की उपेक्षा करता है, अगर उसे सेवा और वैयावृत्ति की जरूरत है, और उस सेवा और वैयावृत्ति की उपेक्षा करके वो अपने
तप में निरत होता है तो उसे जिन आज्ञा के भंग का दोष लगता है। जिन आज्ञा का भंग, यहां सेवा की जरूरत है, तुम उपवास करके ध्यान में बैठे, बोले यहां ध्यान की जरूरत नहीं है, यहां सामने वाले पर ध्यान देने की जरूरत है। ये तो तुम बाद में भी कर लोगे, अभी उसकी जरूरत है। इस जिनाज्ञा का भंग, आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप घर से मंदिर के लिए निकले, घर से मंदिर के लिए निकले हैं और इसी बीच आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम दिख रही है, हल्का सा सीने में दर्द बता रहे हैं, अब आप क्या करोगे? बोलो, मंदिर जाओगे या अपने पिताजी को पहले उनका हालचाल पूछोगे, फिर आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाओगे, उनकी चिकित्सा कराओगे? बोलो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? मंदिर ले जाओगे, है ना? मंदिर ले जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, इंदौर वाले लोग बड़े भले। अब चलिए थोड़ा सा सीन बदल देते हैं। आप अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और कोई अर्जेंट मीटिंग है, और ऐसी मीटिंग जिसमें आपको लाखों करोड़ों की डील करनी है, फाइनल मीटिंग है, बहुत मुश्किल से मीटिंग अरेंज हुई और निकल रहे हैं, और निकलने को हो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट ही करने वाले कि आपको खबर आई कि पापा के सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो, ईमानदारी से बोलना, क्या करेंगे? पत्नी को कहोगे कि देखो देखो पापा को क्या हो रहा है, थोड़ा देखो, और मैं जा रहा हूँ, मीटिंग अर्जेंट है, मैं अपने एक दो फ्रेंड को बोलता हूँ, अपने स्टाफ को बोलता हूँ, वो आकर के देखेगा, डॉक्टर मैं रास्ते से गाड़ी से सारा अरेंज करता हूँ, और तब तक तुम ध्यान रखना और मुझे सारी रिपोर्ट देते रहना, यही बोलोगे ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सब कुछ है, मुझे रिपोर्ट देते रहना, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, और आप फ़ोन ओन पे लगाना शुरू करोगे और सारा अरेंजमेंट कर दोगे। ये भी अगर आप थोड़े सतयुगी संतान होगे तो, बाकी तो ठीक है, कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते, कुछ नहीं, हल्का हल्का गैस वैस का होगा, देखो थोड़ा बहुत कुछ देख लो, और ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखा लेना, मैं फ़ोन कर देता हूँ। और मान लीजिए आपने इतना सब कुछ किया और चले गए, और इसी बीच कुछ हो गया तो बोलो, इसी बीच कुछ हो गया तो अब क्या होगा? जिंदगी भर रोना रोओगे, हाय मैं अपनी पापा की सेवा नहीं कर पाया, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मुझसे बड़ी चूक हो गई, इंपॉर्टेंट मीटिंग में चले गए। मीटिंग के इंपॉर्टेंस को तुम रोज आंकते हो, जिस दिन माँ बाप की इंपॉर्टेंस को आंकना शुरू कर लोगे, जीवन बदल जाएगा। पिता के मरने के बाद उनके नाम से कोई इमारत बनाना बड़ा सरल काम है, पर जीते जी अपने पिता की सेवा कर नई इबारत लिखना बड़ा कठिन काम है। तो अपने माँ बाप की याद में कोई इमारत बनाओ या न बनाओ, पर जीते जी एक ऐसी इबारत लिख जाओ सेवा की मिसाल बनकर, कि जिंदगी भर लोग तुम्हें भूल ना पाए, ये काम होना चाहिए। ये सेवा भाव घर परिवार से शुरू होना चाहिए। तो पहले परिवार की सेवा, परिजनों की सेवा, फिर दूसरी बात पीड़ितों की सेवा। परिवार परिजन से बाहर निकलो तो कोई पीड़ित हो उनकी सेवा करो,
चाहे वो कोई भी हो। हम लोग रोज बोलते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा स्रोत बहे। अंदर देखो करुणा का कोई स्रोत है या वो सूखा हुआ है। स्रोत की बात कर रहे हैं, यहां तो लेस भी नहीं है, वो पूरा स्रोत सूख गया। क्यों सूखा? क्योंकि हम बहुत बुद्धिवादी बन गए। बढ़ते हुए बुद्धिवाद ने हमारे अंदर की संवेदना को भाप बनाकर उड़ा दिया। बुद्धिवाद की गर्मी बहुत ज्यादा होती, उसने हमारी सोच को बदल दी। हमें पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए और पीड़ितों की सेवा को अपना धर्म मानना चाहिए। परिवार परिजन की सेवा और उसके बाद पीड़ितों की सेवा, वो सेवा अपने जीवन में लाइए। कहीं भी कोई पीड़ित कदर्थित व्यक्ति मिल जाए तो उसकी सेवा में कभी पीछे मत रहिए। पंडित टोडरमल जी जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए, बड़े अध्यात्मनिष्ठ विद्वान, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ की रचना की। जयपुर में उनके निर्देशन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा था। एक रोज वो अपने घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर निकले। रास्ते में देखते क्या है, एक वृद्ध महिला कीचड़ में फिसल कर गिर पड़ी है और कराह रही है। पंडित जी निकट गए, देखा, उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्होंने अपने धवल वस्त्रों की परवाह किए बगैर उस वृद्धा को उठाया और चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी चिकित्सा कराना शुरू कर दी। करीब डेढ़ घंटे के विलंब से वे विधान स्थल पर पहुंचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल चुकी थी। सब लोग एक साथ बोल पड़े, पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज शुरू, आज हुआ। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सब लोग हैरान रह गए, बोले अभी पाठ शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ तो आज हुआ। उन्होंने रास्ते की सारी घटना बताई और कहा कि मैंने सोचा भगवान को अर्घ चढ़ाने में थोड़ा विलंब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी चिकित्सा का थोड़ा भी विलंब बहुत नुकसान कर सकता था, इसलिए मैंने उसे प्राथमिकता दी। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि हम जो भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं यह तो केवल द्रव्य पूजा है, और अगर हम किसी पीड़ित प्राणी की सेवा करते हैं तो भाव पूजा से कम नहीं। इसलिए मैंने आज आप सबसे कहा कि जो सिद्ध चक्र की सच्ची पूजा तो आज हुई है। सब लोग पंडित जी के इन विचारों से बड़े अभिभूत हुए। मैं भी आप सबसे कहता हूँ, पीड़ित की सेवा को परमात्मा की पूजा मानो, उस पर ध्यान दें, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ये हमारा धर्म है। संत रंगदास हुए एक बड़े प्रसिद्ध, जब वो बच्चे थे उनके पिता ने उनसे कहा जाओ बाजार से कोई फल ले आओ, गर्मी का समय मीठे फल ले आओ। वो बाजार में गया, बड़ा संवेदनशील थे शुरू से ही। उनने देखा तो एक परिवार 3 दिन से भूखा दिखाई पड़ा। उनने सारे रुपये से उनको भोजन करा दिया, भरपेट भोजन करा कर वो लौटा। जब घर लौटे पूछा, बेटे
फल ले आए? बोले पिताजी आज हम अमर फल लेकर आए। पिताजी आज हम अमर फल लेकर आए, कहाँ है वो अमर फल, ला के दिखाओ। बोला पिताजी आप ही कहा करते थे किसी दीन दुखी की सेवा करने से अमर फल मिलता है। पिताजी रास्ते में मैंने एक ऐसे परिवार को देखा तो हमने सोचा आज पिताजी की बात को सार्थक करना है, और मैंने उन्हें भोजन करा के अमर फल प्राप्त कर लिया। पिताजी यदि वे फल लेकर हम लोग आते तो हमारा मुंह थोड़ी देर के लिए मीठा होता, पर हमने उनकी 3 दिन की भूख मिटा दी। आप बताइए मैंने सही किया या नहीं? पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा तुम बिल्कुल सही सीख को अपना रहे हो। सोचिए हमारी दिशा क्या, हमारी दृष्टि क्या, हम पीड़ितों की सेवा में कैसी तत्परता दिखाते हैं। कई लोग हैं जो सेवा के कर्म में बहुत आगे रहते हैं, हमें ऐसे सेवा के कर्म में सदैव आगे रहना चाहिए। तीसरे क्रम में है प्राणियों की सेवा। पीड़ितों में मैंने मनुष्यों की सेवा की बात की, अब प्राणियों की सेवा, कोई भी प्राणी हो, मूक पशु पक्षी प्राणी, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा के प्रति भी तत्परता दिखनी चाहिए। आज गौशालाएं हैं, अन्य प्राणियों के प्रति सेवा का भाव कई लोगों में दिखता है, और कई लोग इस प्रकार के भाव से शून्य दिखाई पड़ते हैं। हमें अपने जीवन में इस भाव को जगाना चाहिए, ये भी एक प्रकार की बैया वृत्ति है। सेवा कीजिए, जितनी सेवा करोगे संवेदनाएं बढ़ेगी, और संवेदना बढ़ेगी तो जीवन आगे बढ़ेगा। और अंत में है संतों की सेवा, परिजनों की सेवा, पीड़ितों की सेवा, प्राणियों की सेवा और संतों की सेवा। मोक्ष मार्ग में अनुरक्त रहने वाले संतों की हृदय सभर होकर सेवा करनी चाहिए। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। विवेक के साथ सेवा करने का तात्पर्य, वैया वृत्ति करने का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं, उनके कष्टों का निवारण करना, उनके अनुकूल वातावरण बनाना, उनकी चर्या और क्रिया में सहायक बनना, ये सब सेवा है, बैया वृत्ति है। तुम संत बन पाओ न बन पाओ, लेकिन संतों की सेवा में अनुरक्त रहोगे तो सज्जनता जरूर पाओगे। अपने जीवन में सज्जनता को उद्घाटित करना चाहते हो तो संतों की सेवा करो। हम मुनियों को भी जब अन्य मुनियों की सेवा करने की बात कही, यहां तक हमारे यहाँ कहा मनोज्ञ की सेवा करो, मनोज्ञ की वैया वृत्ति करो, तो मनोज्ञ की वैया वृत्ति में क्या कहा, एक मुनि दीक्षा की अभिमुख किसी गृहस्थ की भी सेवा करे, कर सकता है वो ब्रह्मचारी की सेवा करे या आम गृहस्थ की सेवा करे। कितनी ऊंची बात, मुनि है जो अपने से नीचे की सेवा कर रहा है, क्यों, इसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। और कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी सेवा के लिए उसका हाथ पैर ही दबाया जाए, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति को ठीक किया जाए, उसे अच्छी प्रेरणा दे दी जाए, उसके मनोबल को भी जगा दिया जाए, तो यह उसकी सेवा है ना। उसके कष्ट का निवारण किसी न किसी रूप में करना चाहिए, होना चाहिए। यदि ऐसी सेवा का भाव हो तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपो निधिषु।
संत जनों की सेवा करने से हमारे जीवन में सारी समृद्धियां उद्घाटित होती है। अपने जीवन में उन बातों को उद्घाटित करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन संतों की सेवा में विवेक होना चाहिए। आजकल आप लोग भैया वृत्ति कराते करने आते हो, मैं तो कराता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक दिन आप लोगों के लिए दिया है सप्ताह में, लेकिन कई कई बार आप लोग आते हो ना तो भैया वृत्ति करते करते अपनी मुहर और लगा लेते हो, नाखून लगा, है ना, थप्पा लग जाते, ये गड़बड़। हाँ, भैया वृत्त में विवेक। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग बिहार करके चल रहे थे, एक गांव में पहुँचे, सर्दी का समय था, स्थान संकीर्ण था, छोटा था, किसी ने कहा एक नई धर्मशाला सामने और है, वहाँ भी रह सकते हैं। हमने गुरुदेव से निवेदन किया, 24 किलोमीटर बिहार करके चले। गुरुदेव से कहा, महाराज जी सामने एक छोटी सी नई धर्मशाला, हम लोग वहाँ चले जाओ, यहाँ जगह संकीर्ण है। हम चार साधु चले गए, और वहाँ गए तो देखते क्या है, धर्मशाला के नाम पर दो दुकानें थी जिसमें शटर लगी थी। अब आ गए, हमने कहा आप गुरु जी से अनुमति लेके आए, अब शटर है चाहे जो है, रात तो ही निकालना है, रह गए रात। अब अंदर चले गए, शटर से क्या होता है, साए साए हवा, टेम्परेचर 6 डिग्री, और दो झरोखे थे बड़े बड़े, उनसे भी हवा आ रही थी, थोड़ा बहुत पैक किया था लेकिन ढंग से पैक किया नहीं, ठंड तो लगी रही थी। और हम चार महाराज थे, चारों महाराज बिना चटाई वाले। अब रात में कुछ लोग भैया वृत्ति करने के लिए आ गए, उनमें एक थोड़े ज्ञानी महानुभाव थे, वो रोज वहाँ स्वाध्याय कराते, वो ब्रेक आयल लेके आ गए, ब्रेक आयल लेके आ गए। अब ब्रेक आयल लगाए, हमने मना किया, इशारा किया कि भैया ब्रेक आयल मत लगाओ। क्यों लगा? नहीं नहीं महाराज तो मना करते, अपना काम है अपने को करना, महाराज का काम महाराज जानेंगे, हम श्रावक का काम है, हमको भैया वृत्ति करना है, महाराज तो मना करते हैं। हमने थोड़ा आंखें दिखाई कि कहीं मान जा भैया वृत्ति तू कर तो रहा है, ब्रेक आयल लगा के तू चला जाएगा, झेलना तो हमें पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज तो मना करते हैं, महाराज का काम महाराज करेंगे, अपन अपना काम करो, लगाओ। अब हमने भी सरेंडर कर दिया, महाराज तो परिसर सहते ही हैं, महाराज तो मना करते ही, हमने कहा आज आप परिसर सह लो, सरेंडर कर दिया। और उन लोगों ने मिलकर तबीयत से पूरे शरीर में ब्रेक आयल पोत दिया। अब वो लोग तो चले गए 10 मिनट बाद, पूरा शरीर ठंडा, हवा के कारण और ठंडा हो गया। अब रात तो बैठ के जैसे तैसे गुजारी, सवेरे जब गुरुदेव को पूरा वाक्या सुनाया तो उन्होंने पहला वाक्य कहा, गुस्सा तो नहीं आया उन पर, गुस्सा तो नहीं आया? हमने कहा नहीं गुरुजी, गुस्सा नहीं आया। बोले अच्छा, उसका आभार मानो, रात भर तपस्या करने का मौका दिया, कर्म निद्रा करने का मौका दिया।